अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज़ अली और आप देख रहे हैं शहबाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एयर कूलर की मोटर की वाइंडिंग करेंगे और इसका मुकम्मल सेट डालेंगे और मैं आपको इसके तफसील बताऊंगा कि इसमें कौन सा नंबर डाला जाता है और इसमें कितना वज़न डाला जाता है और इसकी कितनी टर्नें दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ जानेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसको कोर को खाली कैसे किया जाता है, इसमें लेदर कैसे डाले जाते हैं उस और इनका साइज़ कैसे बनाया जाता है और सेट कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको मुकम्मल वाइंड करेंगे। ये देखें, ये हमने सेट बना लिए थे। तो इसको इसकी जो पिच है वो 1/6 और 1/8 की पिच है। तो हम जो छोटा सेट है वो 1/6 की पिच में डलेगा और जो बड़ा सेट है वो 1/8 की पिच में डलेगा। तो इस तरह से ये देखें सेट को डालना है। तो इसके ऊपर मैं 7 नंबर का ब्राउन लेदर डालूंगा। तो ये लेदर मैंने पहले से काट लिए हैं, तो इस तरह से इसके लेदर डाल लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब वाइंडिंग स्टार्ट करनी है तो छोटे सेट का जो सिरा है उसको अपनी तरफ रखना है। तो अभी हम इसके 4 स्लॉट को खाली छोड़कर पाँचवा जो स्लॉट होगा उसमें हम ये सेट का दूसरा सिरा डाल देंगे। तो ये देखें, ये 4 स्लॉट खाली हो गए सेंटर में। तो ये 1/6 की पिच है, जो बड़ा सेट आएगा वो 1/8 की पिच में आएगा। तो ये 32 स्लॉट की कोर है। तो ये कॉपर में मैं इसको वाइंड कर रहा हूँ। इसके वायर का जो नंबर है वो 27 है और इसमें 700 ग्राम टोटल वजन डाल रहा हूँ। जो इसमें एक ही नंबर निकला है 27 नंबर का, रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी, तो मैं भी वही डालूंगा रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। तो जो रनिंग के छोटे कोयल की जो टर्नी है वो 135 है और जो बड़े कोयल की टर्नी है वो 150 है। तो ये देखें, अभी इस तरह से ये बड़ा सेट भी हमारा डल चुका है। तो अभी हम जो दूसरा सेट है वो भी इसी के साथ इस तरह तरतीब के साथ डालते जाएंगे, 1/6 की पिच के साथ। रनिंग के जो मैं वज़न डाल रहा हूँ वो 400 ग्राम है और जो स्टार्टिंग का वज़न डाल रहा हूँ वो 300 ग्राम है। तो स्टार्टिंग के जो छोटे कोयल की टर्ने हैं वो 120 हैं और जो बड़े कोयल की टर्ने हैं स्टार्टिंग की वो 135 हैं। तो इसके अंदर जो मैंने सफ़ेद लेदर डाला है वो 7 नंबर का लेदर है। तो इसके जो ऊपर मैं डाल रहा हूँ वो ब्राउन है, वो भी 7 नंबर का लेदर है। तो इस तरह से ये देखें इसको वैंड किया जाता है। ये सेट वैंडिंग में है, यानी सादा वैंडिंग में है। तो अभी हमारे दो सेट डल चुके हैं, तो तीसरा सेट हम इसमें डाल रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरतीब के साथ डालेंगे, सेंटर में 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। तो इसके जो सेट डालने हैं वो थोड़ी थोड़ी करके तारें डालनी है, अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से तारों को सलाड़ के अंदर ऐसे ऐसे से डालेंगे तो वो आसानी के साथ ये इसमें डल जाएंगी।
तो तीन सेट इसमें डल चुके हैं, अभी हम चौथा सेट भी इसमें डाल लेते हैं। तो ये रनिंग का आखिरी सेट है, तो ये देखें दोस्तों ये भी डल चुका है, तो स्टार्टिंग के सेट डालेंगे। स्टार्टिंग की जो पिच है वो भी 1/6 और 1/8 की पिच है, ये देखें जो हमने स्लॉट खाली छोड़े थे उनके अंदर इसको डालेंगे। ये देखें इस तरह से ये छोटा सेट इस तरह डालेंगे और इसके इसका भी सिरा अपनी तरफ रखेंगे। तो अभी ये देखें इस तरह से इसके ऊपर लेदर डालेंगे और जो इसका दूसरा सिरा होगा सेंटर में चार स्लॉट खाली छोड़ देंगे, यानी जो हमने पहले क्वाइल डाले हैं वो चार ऑटोमेटिकली वो चार स्लॉट खाली छोड़ जाएंगे और जो खाली स्लॉट हैं उसके अंदर ये छोटे सेट का दूसरा सिरा डाल देंगे। ये देखें दूसरी ये छोटे सेट की दूसरी साइड डाल देंगे इस तरह से। ये देखें सेंटर में जो चार स्लॉट थे वो खाली छूट गए हैं, तो अभी हम बड़े सेट को ऐसे इसी तरतीब से डाल लेंगे। तो अभी हम इसका जो बड़ा सेट है ये डालेंगे। ये देखें इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके तारें डालनी हैं अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से, ऐसा ऐसा हम इस तारों को नीचे की तरफ करते जाएंगे तो ये आसानी के साथ डल जाएंगे। तो ये देखें एक सेट हमारा स्टार्टिंग का डल चुका है और बाकी सेट भी हम इसी तरह ये देखें डाल लेंगे। जो स्लॉट देखें खाली बचे हुए हैं उसी में हम इसको डालेंगे, ये साथ के साथ डालते जाएंगे। ये देखें दोस्तों इस तरह से ये सेट डाले जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो छोटे कॉइल की टर्ने हैं वो 120 हैं और जो बड़े कॉइल की टर्ने हैं स्टार्टिंग की वो 135 हैं।
जी तो दोस्तों ये देखें, हमारा स्टार्टिंग का दूसरा सेट भी डल चुका है, तो अभी हम बाकी के सेट भी इसमें डाल लेते हैं। जी तो दोस्तों ये देखें, आखिरी सेट हम स्टार्टिंग का डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसमें सेट डाले जाते हैं और इसकी वाइंडिंग की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कनेक्शन बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसकी स्पीडें कैसे निकाली जाती हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।